हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम मजिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेज मेकर में टाइप मेन्यू पढ़ेंगे। इससे पहले क्या है, फाइल एडिट लेआउट मेन्यू हो चुका है, पूरा वीडियो को डिटेल से समझाया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं पेज मेकर में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइप मेन्यू में देखेंगे। टाइप मेन्यू से पहले हम लोग एक नया पेज ले लेता हूं। उसके बाद क्या है, टाइप मेन्यू में हम लोग देखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। पहले क्या है, टी पे क्लिक करेंगे यहां पे, उसके बाद साइज बढ़ाकर और यहाँ पर टाइप कुछ करेंगे। सपोज दैट मैं एक चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, मिस्टर ट्यूटोरियल। ओके, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, उसके बाद कुछ इसमें पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब इस पर क्या है, फॉन्ट अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। अगर चाहते हैं फॉन्ट चेंज करना तो आप कर सकते हैं। अभी क्या है, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे देखिए आपका शो भी करेगा टाइम्स न्यू रोमन का, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं, यहाँ से भी कोई भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह हो जाएगा, या फिर आप टाइप में जाएंगे फॉन्ट लेंगे, यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट है, देख रहे हैं इस तरह का है। टाइप में जाएंगे फॉन्ट लेंगे, मोर पर भी जा सकते हैं, मोर पर जाने के बाद यहाँ से देखिए बहुत सारा है, एरियल लेना है जो भी इसमें चाहिए वो आप यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को। फिर टाइप में चलेंगे, नेक्स्ट है साइज है। साइज देखिए अभी क्या है, 30 है, इसको बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं इसको, तो आप इससे आप कर सकते हैं। जैसे 36 किया देखिए यहां, इस पर इफेक्ट आएगा, तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लीडिंग। लीडिंग में क्या है, आप चाहते हैं इस जो कैरेक्टर लिखा हुआ है इसके बीच की स्पेस को कम करना ज़्यादा करना, तो आप लीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या नॉर्मल है, देख रहे हैं अभी लीडिंग क्या है, ऑटो में है। अभी चाहते हैं कुछ कम करना या ज़्यादा करना तो आप यहां से कर सकते, देखिए 36 मैंने किया। फिर टाइप में गए, लीडिंग पर क्लिक किए, फिर ज़्यादा करना, फिर 54 किया, देखिए इसको और इसको लाइन के बीच की दूरी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। टाइप में गए, लीडिंग 35 में किया, देखिए इस तरह एक वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे एक साथ आ जाता है ना। तो इस लाइन को, कैरेक्टर लाइन के बीच की दूरी को, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या ऑटो में कर देता हूँ, अगर चाहिए तो आप इस तरह इफेक्ट देकर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी क्या है, फिर टाइप स्टाइल है, देखिए टाइप स्टाइल में क्या है, नेक्स्ट क्या है, टाइप में जाएंगे, टाइप स्टाइल चेंज करना है तो कर सकते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, टाइप में जाएंगे, टाइप स्टाइल लेंगे, आपको बोल्ड करना है इसको तो इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो आप इसे कर सकते हैं, इसे इटैलिक किए, देखिए हल्का तिरछा हो जाएगा है। इस तरह आप इफेक्ट देकर A1 चेक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, देखिए इस तरह कटा हुआ लाइन देना चाहते हैं तो आप टाइप में जाकर आप यहाँ से टाइप स्टाइल पे जाकर स्ट्रिक थ्रू कर सकते हैं। रिवर्स करना है देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर टाइप में जाएंगे, फिर इसको टाइप स्टाइल क्लिक करेंगे, फिर रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा वो। टाइप में जाएंगे, फिर टाइप स्टाइल करना है, फिर यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो इस लाइनिंग जो ऊपर था वो हट जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या है, फॉन्ट साइज लीडिंग टाइप स्टाइल देखें, बहुत ईजी वे में बताया जा रहा है, आप इसको आराम से देखें समझ जाइएगा वन टाइम में। अभी क्या है, इसको अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन भी दे सकते हैं, देखिए जो भी सेलेक्ट रहेगा टेक्स्ट उसके अंडरलाइन हो जाएगा, देख रहे हैं। फिर अंडरलाइन हटाना है तो अंडरलाइन हटा भी सकते हैं, देख रहे हैं अंडरलाइन है, उसके अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, टाइप में
टाइप स्टाइल, फिर इसको क्या नॉर्मल करना है, फिर नॉर्मल कर सकते हैं, फिर हट जाएगा। उसका नेक्स्ट क्या है, आप वन बाई वन करके चेक कर सकते हैं। एक्सपर्ट कर्निंग है, एक्सपर्ट कर्निंग से देखिए क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट रहना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट कर्निंग पे क्लिक करते हैं। इसमें क्या है, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के देखिए दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते, देखिए इस तरह करेंगे, देख रहे हैं वर्ड एक दूसरे से टच हो रहा है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा हट रहा है, देख रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हो। ओके देंगे तो वर्ड इस तरह हो जाएगा। तो आप इस तरह आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक्सपर्ट कर्निंग के द्वारा। यहाँ से देख रहे हैं इस तरह, ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप में के, उसके बाद एक्सपर्ट ट्रैकिंग है। एक्सपर्ट ट्रैकिंग में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं वर्ड को, देखिए टेक्स्ट को, किसी को भेज लूज कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, थोड़ा टाइट करना है टाइट कर, देखिए इस तरह हो जाएगा, ऐसे इफेक्ट आ जाएगा इस पर। तो वन बाई वन करके आप इससे इफेक्ट दे के चेक कर सकते हैं, फिर नॉर्मल करना है नॉर्मल कर दें। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल है। हॉरिजॉन्टल स्केल में देखिए इसमें क्या, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को, सेलेक्ट कर लेंगे, अभी नॉर्मल में है, चाहते हैं 80% करना, देखिए 80% में आ जाएगा। फिर टाइप में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल लेंगे, 110% करना है, इसे हो जाएगा, देख रहे हैं। टाइप में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल लेंगे, फिर नॉर्मल कर देंगे। तो इस तरह आप इफेक्ट देके देख सकते हैं, ओके। करेक्टर है, देखिए करेक्टर में क्या है, इसमें फॉन्ट साइज जो पहले बताए थे वही सब है, फॉन्ट साइज, लीडिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कलर क्या रखना चाहते हैं, वो सब टोटल यहाँ से आप कर सकते हैं। टोटल इफेक्ट यहाँ से वन टाइम सेट कर सकते हैं, ओके। इसका शॉर्टकट भी है, देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, कंट्रोल प्लस टी कीजिएगा तो वही इफेक्ट आएगा, वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देखिए कंट्रोल टी दिए वही आया। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। लीडिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो यहाँ से इस तरह साइज कम या ज़्यादा हो जाएगा। टोटल एक साथ सेट कर सकते हैं करेक्टर को। पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम है, लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना छोड़ना, देखिए अभी एक पूरा लाइन में क्या टचिंग है यहाँ पे, सपोज दैट मैं 0.5 कर देता हूँ, देखिए लेफ्ट में, तो ओके करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ ये हट गया है ना, लाइन छोड़ के थोड़ा 0.5 स्केल पे यहाँ पे देख रहे हैं, स्केल के सामने आ गया यहाँ पे। तो इस तरह पैराग्राफ भी सेटिंग कर सकते हैं टाइप में। करेक्टर हो गया, पैराग्राफ, इंडेंट टैब, इंडेंट टैब भी सेट कर सकते हैं, इसमें जितना चाहे उतना पुट कीजिएगा उतना टैब आपको आगे जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर हाइफंस। हाइफंस में क्या है, देखिए यहाँ पे सपोज डैट मैं आपको एक नया पेज लेके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर पता लगेगा। सपोज डैट यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, साइज इसको बढ़ा लेते हैं पहले, सपोज 30 कर दिया, उसके बाद मैंने टाइप कर रहा हूँ, आप कुछ टाइप कर सकते हैं, मैं चैनल का नाम ही देता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल भी किए, ओके। देखिए अभी क्या है, कुछ वर्ड क्या है यहाँ पे, देखिए टी यू लिखकर हाइफन देकर नीचे आ गया, ओके। अगर टाइप में जाकर हाइफन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑन है ये और ये, अगर ऑन रहेगा तो इस तरह रहेगा, ओके। अगर मैनुअल ऑनली कर देते हैं तो देखिए टी यू नीचे सीधा आ गया है ना, कुछ था पहले यहाँ पे हाइफन देके टोरियल यहाँ पे था, टी यू यहाँ पे था, ओके। अगर इस तरह करना है तो आप टाइप में जाके हाइफन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑन रहेगा, उसके बाद मैनुअल प्लस डिक्शनरी यहाँ पे करना पड़ेगा, ओके। तो कुछ वर्ड यहाँ पे रहेगा हाइफन देके ऐसे यहाँ पे आ जाएगा।
आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट अभी क्या लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, कंट्रोल शिफ्ट अल है इसका शॉर्टकट। अलाइनमेंट सेंटर करना है, देखिए अलाइनमेंट सेंटर आ गया। सेलेक्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है, देखिए जस्टिफाई हो जाएगा। अलाइनमेंट फोर्स जस्टिफाई करना है, देखिए इस तरह आएगा। सबको इफेक्ट दे के आप 1x1 करके क्लिक कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद स्टाइल है, देखिए स्टाइल में क्या है, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते। कैप्शन है, हैंगिंग इंडेंट है, हेडलाइंस है ना। देखिए हैंगिंग इंडेंट देखते हैं, इस तरह हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा। फिर क्या स्टाइल में चलते हैं, हेडलाइंस कर देते हैं, देखिए इस तरह हो जाएगा। तो आप इस तरह आप इफेक्ट देके चेक कर सकते हैं। फिर क्या है, डिफाइन स्टाइल है, डिफाइन स्टाइल पे क्लिक कीजिएगा तो डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्या है, न्यू देंगे, अपना एक डिफाइन नेम बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बेस्ट ऑन पे क्लिक कीजिएगा। हैंगिंग करना है, कैप्शन करना है, बॉडी टेक्स्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टाइल शेड्यूल वंस, हेडिंग देना है, जो भी देना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल एस नाम से यहाँ पे बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, टाइप में जाएंगे, देखिए स्टाइल में जाते हैं तो डबल ए नाम से यहाँ पे अपना एक स्टाइल बना दिए हैं। तो आप डिफाइन स्टाइल का इस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग आज क्या है, टाइप मेनू में टोटल ऑप्शन पढ़े, इसको आप प्रैक्टिस करें। और भी कोर्स क्लास हो चुका है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।